कि मुझे सुसु लगने लगा यार बहुत तेज से। कितना प्यारा प्यारा सा लड़कियां मिल गया यार मेरे को। गार्डन ऑफ पीस ठीक है, यहाँ के जो राजा है ना उसकी फोटो चारों तरफ है। तो फाइनली दोस्तों घूम कर तो हम आ चुके हैं। इस वक्त मैं अपने होटल में हूँ, मेरे GoPro का बैटरी सब खत्म हो गया था, तो इसी वजह से मतलब अगर मैं चार्ज भी करता हूँ ना GoPro का बैटरी तो कम से कम बिना तो 3 घंटा लगेगा। तो फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया है अपना DSLR। वाव, मैं सोच रहा था कि यार इसका अभी तक कोई काम नहीं आएगा, लेकिन फाइनली यार DSLR काम आ गया। मैं इसको लाद कर लेकर आया था लेकिन आज ये इतने अच्छे टाइम पे काम आया है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। क्योंकि जो यहाँ की जो एंट्री चार्ज है वो 1200 रुपये है और मेरा एक दिन का यहाँ पे खर्चा 7000 रुपये से ज़्यादा आ रहा है। तो भाई आज रात को मुझे थिम्पू देखना ही है, कल को पारो निकलना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलिए चलते हैं थिम्पू का वीडियो बनाते हैं। हम बिल्कुल फ्रेश हो गया है, एकदम मज़ेदार यहाँ पे टीवी देख रहा था और यहाँ पर पता है कॉफ़ी भी है, तो हम इसको गर्म करता है कॉफ़ी बनाता है और चलिए चलता है। और मुझे लग रहा है कि भूटान का ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। उससे पहले मेरा एक चीज़ बताने का आपको मन था कि मैं दो टाइप्स के फंड रखता हूँ अपने इस ट्रिप के दौरान, नहीं हर ट्रिप के दौरान जो भी मैंने किए हैं। एक होता है मेरा ट्रिप फंड जो कि मतलब सेट होता है कि इतना 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 इतना, और एक होता है इमरजेंसी फंड। तो फाइनली मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि भूटान के अंदर इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। मेरा जो ट्रिप फंड था वो करीबन मीना तो थोड़ा कम था, फाइनली मुझे अपना इमरजेंसी फंड निकालना पड़ गया यार। इमरजेंसी फंड में मैं कम से कम 20000 रुपये रखता हूँ एक्स्ट्रा फॉर द ट्रिप से, माना ट्रिप पे 20000 रुपये लगने वाला है या फिर 30000 लगने वाला है, तो मैं 20000 रुपये एक्स्ट्रा रख के चलता हूँ। तो वो भी निकालने का वो आ गया, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी रूम से नीचे निकल आया था, फिर दोबारा से रूम पे जाना पड़ा क्योंकि मुझे यहाँ पर वो भी लेना है, कहाँ गया, जीरो वाला वन वाले पे। हाँ तो अभी रूम पर अगर चला गया था ना मैं, तो पासपोर्ट लेना था मुझे क्योंकि मुझे सिम भी लेना है, और देखता हूँ मैं सिम कितने रुपए का पड़ेगा और अंदर का महंगाई कितना है, टैक्सी कितने का मिलेगा और घूमने का प्राइसिंग क्या क्या है, कोई स्कैम विस्कैम तो नहीं है। अभी तक तो मैं भाई लोगों यहीं पर ही घूम रहा हूँ, हमें मिल ही नहीं रहा है कि टैक्सी स्टैंड क्या है, वैसा क्या है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला है, पहला इन्फॉर्मेशन तो ये मिला है कि जो इनका जो सिम कार्ड होता है लोकल्स के लिए अलग है और टूरिस्ट के लिए अलग है, तो टूरिस्ट वाला जो सिम है वो तो केवल वहीं पर ही मिलेगा टाउन में जाकर ही। और ये बिस्कुट ले लिया है हमने कुछ खाने के लिए, भूख लग रहा था हमें, हेलो बाय। तो ये वाला छोटा सा बिस्किट ले लिया है हमने और ये मिला है मुझे 40 रुपये का, इंडिया के 20 रुपये का हो जाता है लेकिन यहाँ 40 का मिला है। इन्होंने मुझे बताया कि दो तरीके हैं जाने के, पहला तरीका है कि आप टैक्सी बुक कर लो जो कि 150 से 200 रुपये के बीच में रहेगा, लेकिन अगर दूसरा तरीका एक और है वो है कि इनका लोकल बस चलता है उधर से इधर की तरफ, वो 50 रुपये में भी हो जाएगा। तो हम 50 रुपये ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले बरसात आ गया है। ओहो प्रभु क्या होगा आज, मेरा वीडियो बनेगा नहीं बनेगा हमको वीडियो। तो भाई लोगों बरसात हो गई थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो हम तो यही वाले शॉप में आकर बैठ गया, कम से कम बिना तो 10-20 मिनट तो यहीं पर ही हो गया बैठे बैठे, और शायद कम हुआ ही नहीं हुआ है अभी। अभी ऐसी पूछते पूछते मैं आगे की तरफ आ रहा था तो ये लड़की मिली है। अभी रुको थोड़ा लाइट आएगा ना तो उसमें अच्छे से आपको दिखाऊंगा, इसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इसके पापा इंडियन हैं, और कहाँ से हैं तुम्हारे पापा इंडियन, कहाँ से? कुछ बिहार से। अच्छा कुछ बिहार से हैं। आपकी एज कितना होगा? मेरा 16। 16 ईयर का है, इतने छोटे। अच्छा तो कौन सी क्लास में हो तुम? 8th में हो। ओह माय, अरे हाँ ये वाला है मेरा होटल, वाइट कलर। इसमें स्टे करते हो? हाँ। तो फाइनली दोस्तों टाउन के अंदर तो आ चुके हैं, वहाँ से यहाँ तक का जो किराया लगा था वो मेरा लगा था, वो 40 रुपये मांग रहा था, मैंने उसको 50 रुपये दे दिया। मुझे यकीन नहीं था, मुझे यार ऐसा लगा कि फ्रॉड ना करते वो, लेकिन यार काफ़ी अच्छा था, 40 के 40 ही दे रहा था वो। और ये टाउन है और भाई ये भी खाली खाली है, गाड़ी के सिवा और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा यार मुझे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि दिखाऊँ तो दिखाऊँ क्या, ओ माय गॉड पुलिस वाले।
तो दोस्तों ये है मेन टाउन और इस वक्त 8:30 बज चुके हैं और अगर आप होटल देखोगे तो उसके अंदर भी कोई नज़र नहीं आ रहा है, केवल देखो साइडों में आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी, मतलब खड़ी हुई। इतना शांत माहौल, एक भी टी नहीं आ रही है नज़र, ऊपर से पानी दे रहे हैं वो पेड़ पौधों को, तो नेचर का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या यार, अब कि मुझे सुसु लगने लगा यार बहुत तेज से। व्हाट आई डू यार मैन, मैं कहाँ घुसूँ जहाँ पर मेरे को टॉयलेट मिल जाए। भाई साहब मैं सिंगल हूँ, इतना अकेला तो मुझे तब भी नहीं लगा जितना अकेला यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। ये देखो पीछे कोई है, साइड में कोई है, कोई भी नहीं है भाई। मुझे पता है सही बोल रहा हूँ मैं, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे कोई ना कोई तो भाई लोगों मिले गई, बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन मुझे लगा था कि जो टाउन है वो काफ़ी अच्छी सी जगह होगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन भाई टाउन भी केवल ऐसा ही है, वेरी साइलेंट वेरी पीसफुल, और लोग आपको दो देखने से भी नहीं मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खास नज़र आई है, हमारे यहाँ ओयो होता है, यहाँ पर योयो है। ये देखो योयो, और ये दो लड़कियाँ प्यारी सी मिली हैं हमें। हेलो मैम, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम सोनम। सॉरी वेरी नॉइजी, व्हाट इज़ योर नेम? सोनम दिकी। सोनम दिकी, एंड व्हाट इज़ योर नेम मैम? श्रिंग दिकी। दिकी दिकी इज़ योर सरनेम? दिकी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिकी? गार्डियन ऑफ पीस। ये तो बहुत मुस्कुरा रही है यार लड़की। हम बहुत देर बाद इंसानों को देखा है इतने ज़्यादा, हम एक साथ ग्रुप में अभी देखा 5 लड़कियां, नहीं तो अभी तक हम ग्रुप में 5 लड़कियां नहीं देखा। दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग आई वॉचिंग 5 पीपल इन अ ग्रुप। तो ये देखिए गाइस प्यारा सा, अरे एप्पल का शोरूम भी है यार यहाँ पे, मेरे को तो काम था एप्पल पे, शायद बंद हो चुका है, लेकिन कोई ना, हुआ यू ज्वाइन अस यू मेक माय नाइट। कितना प्यारा प्यारा सा लड़कियां मिल गया यार मेरे को, हम तो सोचा था कि हमारा जो है, हम पता है कितनी देर से अकेला घूम रहे हैं यहाँ पे, मुझे लोग ही नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। तो तुम मिले हो तो अच्छा सा फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कोई तो है थिम्पू के अंदर भी। वैसे तो फाइनली दोस्तों रूम पर आ चुके हैं, और जैसी एक्सपेक्टेशन में कर रहा था, मतलब वैसा तो नहीं निकला, मतलब भीड़ तो वहाँ पर नहीं नज़र आई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें वहाँ पर नज़र आई। एक जो सबसे बढ़िया और एकदम न्यू चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ के जो राजा है ना उसके फ़ोटो चारों तरफ है, आप किसी भी होटल के अंदर घुस जाएंगे वहाँ पर उसके फ़ोटो, मतलब उनके फ़ोटो नज़र आएंगे, और ये काफ़ी मेरे लिए एक यूनिक बात थी। कोई नज़र नहीं आया भाई, इक्का दुक्का लोग ही घूम रहा था यार वहाँ पर भी, और मेरे तो उनसे दूसरे वाले लड़कियों से ऐसे ही पूछ रहा था तो उनसे बातें हुई, तो लोग भी यार काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं यहाँ के वैसे। चलिए कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, पूरा पता है कितने बज गया है, 9:30 बज गए हैं, तैयार होते हैं, कल को पारो भी जाना है, उसके भी तो प्यारे प्यारे से आपको वीडियो देखने हैं। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।